नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मात्र 1.5 मिनट में युवकों ने महिला के गले से सोने की चैन चुरा करके फरार हो गए। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। भिवानी पुलिस कप्तान ने मामले में टीम गठित की है जो युवकों की तलाश शुरू कर चुकी है। वारदात में दिल्ली से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया है। DSP कुलदीप ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और SP के निर्देशानुसार सुराग लगाने में जुटी है पुलिस। अब देख रहे हैं पल पल से अमन शर्मा की भिवानी से विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि गांव बांगला में आभूषण की एक दुकान पर एक युवक आया जो 2000 रुपये के नोट खुले करवाने के लिए वहां पर आया था। चांदी की अंगूठी भी खरीदने के बहाने वह दुकान मालकिन के गले की चैन तोड़ करके फरार हो गया। आरोपी युवक ने मात्र 1.5 मिनट में इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। जिस समय युवक दुकान में आया, महावीर व पार्वती अपनी आभूषणों की दुकान पर बैठे हुए थे। युवक ने आकर के पार्वती को कहा कि 2000 रुपये का खुला नोट चाहिए। पार्वती ने नोट को खुले करके उसे पूरा हिसाब कर 500 और 100 के नोट दे दिए। उसके बाद वह महावीर से चांदी की अंगूठी दिखाने को बोलने लगा। कुछ देर बाद वह सोने चांदी की अंगूठी देखता रहा और अचानक उसने महावीर की पत्नी पार्वती के गले में झपटा मारा और सोने की चैन को तोड़ा और भाग लिया। बाहर उसका इंतजार कर रहा था उसका एक दोस्त जो बाइक स्टार्ट कर खड़ा हुआ था। दोनों उस बाइक पर बैठ करके फरार हो गए। अब इस मामले में पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जो कि आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कहा है कि पुलिस इससे पहले भी कई संदिग्ध मामलों में खुलासा कर चुकी है। जल्द ही इस मामले में भी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में बदमाशों के तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं क्योंकि जो मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल की गई है वह दिल्ली नंबर की है। अब देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम भी के जी, मैं गाँव बामला से हूँ। क्या मामला है आपके? मामला जी, कल हमारी दुकान पर बैठे थे मेरी मम्मी और मेरे पापा जी। तो एक बंदा आया और वो पहले कॉस्मेटिक की दुकान में गया, वहाँ से कुछ सामान लेके और फिर हमारी दूसरी दुकान में आया। वहाँ पर वो 2000 का लेके आया और खुले वापस लेके चला गया और फिर वापस आया दोबारा और कुछ सामान दिखाने को कहा। सामान दिखाने लग रहे थे तब उसने गले में से चैन तोड़ ली और फरार हो गया। मेरी मम्मी के गले से चैन तोड़ लिया, फरार हो गया जी। की चैन थी आपकी? चैन करीब 1,00,000 रुपये की थी, 2.5 तोड़े की चैन थी। तो कोई पुलिस में मामला दर्ज करवाया? हाँ जी, पुलिस में खरक चौकी में मामला दर्ज करवाया जी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करें। CCTV फुटेज भी है और मोटरसाइकिल के नंबर भी है जी, पूरी डिटेल है हमारे पास उसकी।